मैं आ चुका हूँ फिर से एक खतरनाक से मैप को लेकर क्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। आज मैं 7 ऐसे बेडरॉक प्रिजन को एस्केप करने वाला हूँ। ओके तो सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके तो मैं अभी एक बक्से के अंदर हूँ, आप लोग इधर देख सकते हो। इधर मेरे सामने 4 साइन बोर्ड है। पहले वाले साइन बोर्ड में क्या लिखा है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट तो इनको ही जाता है। ओके तो दूसरे साइन बोर्ड में लिखा है 7 बेडरॉक रूम्स एंड अ मेज एंड देन फ्रीडम। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट साइन बोर्ड में लिखा है स्टार्ट। तो स्टार्ट बाद में कर लेते हैं। इधर क्या है, एस्केप बेडरॉक रूम, आई गेस अभी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो अभी इसे क्लिक कर लेते हैं। ओके अबे यार ये मैं कहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया भाई साहब। चारों तरफ बेडरॉक ही बेडरॉक। इधर एक बॉक्स भी है, इसका नाम बॉक्स है। और चेस्ट के अंदर क्या है, एक आयरन का पिकैक्स मिल और एक स्टिक और एक आयरन नगेट। ओके मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसे एस्केप करना होगा। पहले आई गेस मुझे इसे कॉबलस्टोन को माइन करना पड़ेगा। पहले कोल को माइन कर लेते हैं इधर, उसके बाद इधर एक कॉबलस्टोन को भी माइन कर लेते हैं। और फिर मुझे आई गेस इधर स्मेल्ट करना होगा क्या, कोल से क्या स्मेल्ट करना है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके पहले आई गेस मुझे इनको ब्लॉक को ब्रेक करना होगा। और इधर एक पिस्टन भी है, पहले इधर क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं। इसके नीचे भी कुछ हो सकता है, पता नहीं भाई इधर कुछ भी नहीं है। और चेस्ट के नीचे कुछ होगा क्या, देख लेते हैं एक बार भाई, कुछ भी नहीं है यार। और इधर एक पिस्टन को भी माइन कर लेता हूँ ना, काम आ सकता है भाई। मुझे कहाँ पे एस्केप करना होगा पहले मुझे ये देखना होगा भाई। ओके मुझे एक बर्नेस है इधर, इसे भी तोड़ देता हूँ ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं है भाई। और इस हॉर्स के अंदर क्या है भाई, एक आयरन का हॉर्स आर्म और एक सैडल है इसका, आई गेस मेन यूज हो सकता है। ओके मुझे पता नहीं, उधर एक आयरन का और भी है आई गेस, मुझे इधर से एस्केप करना पड़ेगा भाई। ये तो सिंपल होना चाहिए ना, कुछ इस तरीके से ब्लॉक को रख के आई गेस मैं एस्केप हो चुका हूँ। ओके अबे भाई मैं तो इस तरफ आ चुका हूँ। व्हाट मेरी इन्वेंटरी क्लियर हो गई भाई, इधर करना क्या, मैं तो आयरन ओर को माइन भी नहीं कर चुका हूँ भाई। भाई साहब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस लिटरली मैं इसके बाद फिर से एक और बार कर लेता हूँ, नीचे गिरता हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इधर करना क्या होता है, इसलिए मैं एक बार और फिर से आता हूँ इस वर्ल्ड में। ओके तो मैं फिर से आ चुका हूँ भाई इस वर्ल्ड में। ओके पता नहीं क्या हुआ पहले, थोड़ा समझ रहा ना, मुझे लगता है मुझे इसे ढंग से क्लियर करना होगा इस लेवल को। पहले मुझे इस आयरन ओर को माइन करना होगा, पहले इस पिस्टन को माइन कर लेते हैं और फिर सारे ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ। और उससे पहले हॉर्स के अंदर से जो चीज़ है उसे निकाल लेता हूँ। देखो मुझे लगता है, मुझे पक्का पता है इस आयरन और आर्मर को स्मेल्ट करना है, ठीक है। ये तो समझ गया भाई, 2 आयरन नगेट मिलेगा। ये मैं क्या क्राफ्ट कर सकता हूँ भाई, आई गेस मुझे लगता है चेन को मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ ना। पहले सब ब्लॉक्स को माइन कर लेते हैं, कॉबलस्टोन को माइन कर लेते हैं, कोल को माइन कर लेते हैं। और फिर इधर आके मुझे पता है इधर मैं एक लीवर बना सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे लीवर नहीं बनाना चाहिए। करने के लिए लीवर को फ्लिक करना पड़ेगा। ओके लीवर को फ्लिक करके रखना पड़ेगा और इसके ऊपर एक क्राफ्टिंग टेबल और उसके बाद एक फर्नेस और एक चेस्ट और एक चेन। परफेक्ट भाई, कुछ इस तरीके से एस्केप करना था। तो मैंने पहला वाला बेडरॉक को एस्केप कर चुका हूँ और नीचे तो पानी है। ओके पानी पे लैंड नहीं हुआ, ठीक है अभी नेक्स्ट लेवल पे आ चुका हूँ। ओके इधर स्लैब्स दिए हुए हैं, 2 स्लैब्स है और इधर एक चेस्ट और एक क्राफ्टिंग टेबल है, मतलब ब्लॉक्स के जैसे काम आ सकते है, वैसे ब्लॉक्स ही है, मैं क्या बोलता रहा हूँ भाई। और इसके नीचे कुछ तो होना चाहिए भाई। वो स्लैब, एक 3 स्लैब हो गए,
अभी यार कितना आसान है भाई ये लेवल, पिछले लेवल से भी आसान है भाई, ये पहला लेवल होना चाहिए था। और तुम लोग ध्यान से सुनो भाई, इस ब्लेज की आवाज है ना भाई, ये कहीं इधर से आ रहा है। ओके, वैसे ये लेवल बहुत ही ज्यादा आसान है भाई, इधर तीन स्लैब्स दिए हुए, इधर एक लगाऊंगा और इधर एक लगाऊंगा। ओके, थोड़ा ऊपर हो गए, मुझे थोड़ा नीचे डालना पड़ेगा इसे कुछ इस तरीके से, आई गेस। ओके परफेक्ट है, एक और। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं इधर डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकता भाई, मुझे साइड होकर ही प्लेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, आई गेस। ओके भाई, इतना आसान था भाई लेवल। ओके, इन्वेंटरी क्लियर हो चुकी है मेरी इधर, अभी मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ। वैसे इस लेवल पे एक चेस्ट और एक क्राफ्टिंग टेबल दे रहा है, व्हाट इज नेदर इट्स व्हाट है भाई, इतना ओपी वाला। और एक ग्लोस्टोन डस्ट और एक क्या रैबिट फ्रूट और एक वाटर बॉटल दिया हुआ है भाई, और एक प्लैंक दिया हुआ है। ओके इधर है भाई, इतने सारे ब्लेज की आवाज आ रहे थे, क्या मुझे इसे किल करना होगा? कि आई गेस मुझे अभी जंप बूस्ट का पोर्शन बनाना है भाई, मैं अभी समझ गया। स्क्रैपिंग टेबल को तोड़ते, व्हाट, नीचे एक ब्रीविंग स्टैंड है, यही तो, यही है भाई पोर्शन बनाना। मैं इधर इसे प्लेस करके रख लेता हूँ। ओके, इसे भी मैं इधर तोड़ लेता हूँ चेस्ट को, ताकि ब्लॉक का काम कर सके। मुझे अभी इससे मारना होगा ब्लेस को भाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ओ नो भाई, पहले दरवाजे को बंद करो यार भाई, कितना ज्यादा खतरनाक होगा कि मेरे पास आर्मर नहीं है। ओ नो, क्या गंदा डैमेज दे रहे भाई। एक ब्लेज रॉड भाई, एक ब्लेज रॉड दे दे यार भाई, ब्लेज भाई, ब्लेज भैया। ओके, मैं इधर एक ब्लॉक को प्लेस करके भी तो मार सकता हूँ ना कुछ इस तरीके से, लेकिन इनके आग से मैं नहीं बचूंगा ये। हाँ यार, सिर्फ एक चाहिए भाई ब्लेज रॉड, क्यों नहीं दे रहे भाई, इसमें लूट इंक्री लगा हुआ है यार भाई, और मेरा हेल्थ रीजन भी नहीं हो रहा भाई, ये क्या बात है भाई, मेरे पास सिर्फ 5 आर्ट है। ओ नो शिट, ओके, ये थोड़ा बिग ब्रेन लगाना पड़ेगा इधर। ओके, मैं इसके अंदर जाके इधर दरवाजे को बंद करने वाला हूँ भाई, इतना ही, और ये इधर आएगा। ओके, मुझे 2 ब्लेज रॉड मिल चुका है। दरवाजे को बंद करो, नो, एक आर्ट पे, नहीं, दरवाजे को बंद करो भाई, सब कैसे बचा एक आर्ट में। ओ नो शिट भाई साहब, 1 मिनट भाई, पोशन बनाने के लिए नेदर वॉट चाहिए होगी ना, मेरे पास नेदर वॉट है ही नहीं, ब्लेज रॉड तो मिल गया। अबे भाई ये तो ऑकवर्ड पोशन है यार, अभी मैं इसे डायरेक्टली जंप बूस्ट पोशन बना सकता हूँ, अभी मैं बनाता हूँ रुको। और मुझे इसे जंप बूस्ट 2 बनाने के लिए ग्लोस्टोन डस्ट को इधर प्लेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो मेरा खतरनाक सा जंप बूस्ट पोशन इधर तैयार है, अब मुझे पीकर इसे जंप करना होगा। ओके परफेक्टली हो जाए भाई, मैं इधर पहले 1 ब्लॉक ए वाले रखूंगा, और मुझे इधर के लिए ना थोड़े बहुत और ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, मैं वो ब्रूइंग स्टैंड भी तोड़ कर लेकर आता हूँ, ठीक है। एक प्लैंक को प्लेस करके, चेस्ट को प्लेस करके और एक ब्रूइंग स्टैंड को प्लेस करके मुझे अभी इसे पीना होगा, और फिर मुझे इधर जंप करना होगा। व्हाट, अबे यार ब्लॉक्स कम पड़ गई भाई, ये कैसे हो सकता है, शिट यार, अरे यार ये क्या यार, अब मैं मुझे फटाफट करना पड़ेगा यार, मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ यार, नहीं 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 हो रहा, शिट मैं लेवल फेल हो गया आई गेस भाई। जंप बूस्ट बहुत ही कम टाइम है भाई इसका, मेरे पास कोई और एक्स्ट्रा ब्लॉक्स ही नहीं है, क्या करूँगा, रुको इस चेस्ट को मुझे तोड़ कर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, फटाफट करना पड़ेगा भाई यार, शिट, जल्दी 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 करना पड़ेगा। पहले एक ब्रीविंग स्टैंड को प्लेस करके इधर चेस्ट को प्लेस करके कुछ होगा क्या, इधर ओपन करके, नहीं हो रहा। ओ नो यार, नहीं, मैं कैसे लेवल हार गया, शिट भाई यार, अभी भी जंप बूस्ट है कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, नहीं यार मुझे इधर मरना होगा ये, शिट भाई यार, मैं इधर कुछ कर नहीं सकता यार। अबे भाई ये मैं कहाँ पे स्पॉन हो गए, ओ शिट भाई, ओके भाई ठीक है भाई, ठीक है। ओके भाई मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट लेवल पे, पता नहीं कैसे आया। ओके इधर एक ब्लॉक है और इधर एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर एक हुडन पिकैक्स के अंदर एक एंचेंटमेंट है सिल्क टच का, व्हाट। ओके इस चेस्ट को तोड़ते हैं, कुछ मिल सकता होगा, आई डोंट नो। ओके तोड़ते हैं ऐसे, इधर कुछ भी नहीं है, क्राफ्टिंग टेबल को भी माइन कर लेते, इसके भी नीचे कुछ हो सकता है। अबे यार कुछ भी नहीं है, ओके मैं समझ गया भाई, सिल्क टच का पिकैक्स है और इधर ग्लास है, सिंपली से ब्लॉक को प्रेस करके इधर पानी आएगा भाई, सिंपली इसके अंदर घुसना होगा मुझे। ओके इधर बबल्स भी है नीचे, एयर बबल्स, मुझे इसके ख़त्म होने से पहले इसके अंदर से निकलना होगा, ये फटाफट इस ब्लॉक को ब्रेक करके निकल लेता हूँ इधर से। अरे भाई जल्दी टूट जाए यार, नहीं, ओके भाई साहब 2 बबल्स लेवल बच गया भाई, ये देखो यार कितना ऑसम सा लेवल था। ओके
अब इस नेक्स्ट लेवल में करना क्या है भाई, इतना आसान है यार। इधर प्लैंक को लगाओ और इधर एक क्राफ्टिंग टेबल और दो ग्लास को, और मुझे इधर ग्लास को माइन करना चाहिए था एग्जैक्टली सिल्क टच पिकैक्स के साथ। ओके मैं कहाँ पे आ गया भाई, ये क्या एंड पोर्टल फ्रेम्स वगैरह है, और इधर क्ले है पता नहीं क्या क्या, और इधर स्ट्रिंग है नीचे। ओके इसे भी माइन कर लेते हैं, ये आई गेस थोड़ा खतरनाक सा लेवल होगा आई गेस। और इधर एक क्ले है आइटम फ्रेम के साथ, इसे भी थोड़ा माइन कर लेते। और इधर स्नो बॉल मिला भाई, और इसके पास क्या है, इधर कुछ भी नहीं है। और इधर एक स्ट्रिंग ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं, पता नहीं इधर कितने सारे स्ट्रिंग्स हो गए, मुझे आई गेस काफी सारे कलेक्ट करने हो सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और इधर एक चेस्ट है, चेस्ट के अंदर देखते ओके क्ले मिला और एक स्नोबॉल मिला और एक स्ट्रिंग मिला एक्स्ट्रा, पता है इसका ब्लॉक का काम हो सकता है करने के लिए। और इधर एक चेस्ट को भी माइन कर लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ हो सकता है, बस इधर कुछ है नहीं। और इधर एक क्राफ्टिंग टेबल है, इसके नीचे कुछ हो सकता है, इधर भी कुछ नहीं है। और इधर एक नेदर पोर्टल है भाई, इसके अंदर मुझे आई गेस जाना ही होगा ना। ओके जाते हैं। अबे भाई मुझे नेदर में जाके करना क्या है? ओ भाई साहब इधर भी पूरा का पूरा बेडरॉक है भाई, और इधर काफी सारे क्ले और इधर एक स्ट्रिंग है, मैंने बोला था ना इधर भी होंगे काफी सारे स्ट्रिंग्स। ओ भाई इधर एक क्ले है और इधर एक स्नो बॉल है भाई, इसका करना क्या है? ओके भाई साहब इधर एक और क्ले है, और भी कुछ हो सकता है क्या, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा इधर कुछ होगा कि नहीं। आई गेस कुछ भी नहीं होगा, आइटम फ्रेम को भी आई गेस तोड़ लेना चाहिए क्या, तोड़ते हैं भाई फिर अगर जरूरत पड़ी तो। फिर मैं आता हूँ नेदर से ओवरवर्ल्ड, मैं सोचता हूँ कि स्ट्रिंग से क्या मुझे हुल बना लेनी चाहिए। उसके बाद मैं थोड़े बहुत इधर ब्लॉक्स को प्लेस करके एंड पोर्टल के ऊपर कुछ देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं, लेकिन उधर कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं क्ले से क्ले ब्लॉक बना के इधर मैं फिर से थोड़े बहुत ऊपर जाके देखता हूँ कि कुछ मिलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं मिलता उधर भी। अबे यार तो फिर बनाना क्या है, चार स्ट्रिंग से क्या मैं हुल बनाऊँ क्या, नहीं बनाता हूँ यार अब मैं फिर से, आई गेस मुझे नेदर में जाना चाहिए। उसके बाद मैं नेदर में जाता हूँ लेकिन उधर तो कुछ मिलता ही नहीं, इसलिए मैं वापस आता हूँ इधर। उसके बाद मैं सोचता हूँ अबे यार उसे छोड़ो यार, स्ट्रिंग से एक ब्लॉक बना ही लेता हूँ ना। उसके बाद मैं स्नोबॉल से भी एक स्नो बना के बिल्डिंग ब्लॉक से ऊपर आता हूँ भाई, इतना आसान था यार, मैंने पूरा सर्च फोकट में कर लिया और मैं इस लेवल को भी पार कर चुका हूँ इधर आप लोग देख सकते हो। ओके भाई ये मैं कहाँ पे आ गया यार, और इधर एक दरवाजा है स्केलेटन का, बस इतने सारे आ रहे थे भाई तब। ओ भाई ये क्या लूट है, तलवार साहब ने इतने सारे टेम्पलेट सब किया है भाई, हीलिंग के पोशन इतने सारे क्यों दे के रखे हुए भाई। लेकिन मुझे एक चीज नहीं पता थी इस लेवल के बारे में, इधर एक रूम है भाई, इसमें इतने सारे TNT, इधर एक चेस्ट है भाई, मुझे पार्कोर करना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई ये चीज भाई, अगर एक गलती से भाई मैं मर सकता हूँ। इधर इतने सारे TNT और मुझे पता है पक्का ट्रैप है भाई, ट्रैप चेस्ट तो है ये भाई, हमें प्रो प्लेयर को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यार ये लोग। ओके इसमें से एक एंचेंटमेंट बुक मिला भाई फायर प्रोटेक्शन का, मैं क्या करूंगा भाई, और इधर से बहुत ज्यादा संभल के जाना होगा भाई, इसके अंदर कुछ हो सकता है क्या, चेस्ट वेस्ट वगैरह कुछ नहीं है यार, मेरा ऐसे हेल्थ तो पूरा कर सकता हूँ ना हेल्थ के पोशन से, मुझे इधर एग्जैक्टली पता नहीं था टाइमर था इस लेवल का। मैं इधर बहुत ही धीरे से सब काम कर रहा था, ऊपर से लावा भी टपक रहा था उतनी तेजी से भाई। इस फायर प्रोटेक्शन बुक का मैं क्या करूँगा यार, चेस्ट को तोड़ो यार कुछ हो सकता है यार इसके नीचे। ओ कितने सारे पोशंस है भाई इसमें। ओके इधर क्राफ्टिंग टेबल के नीचे कुछ, ओ भाई एक पिकैक्स है, इस पिकैक्स के अंदर कैसे एंचेंटमेंट है, व्हाट इतने तगड़े वॉल एफिशिएंसी पिकैक्स है भाई, व्हाट ऊपर से लावा आ रहा है, व्हाट द हेक। अबे यार मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा, ओ नो इतने सारे मॉन्स्टर्स है भाई इसके अंदर, शिट 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 भाई मैं गया, ओ नो भाई लिटरली ये सब क्या है भाई, नहीं मैं गया भाई। एक इस तरह का लेवल था भाई, पागल बना दिया भाई हमें एग्जैक्टली, मुझे इस लावा से एस्केप होके इधर आके इस मेज को पार करना था भाई, अबे इस मेज को पार कर लेते हैं। ओके खतरनाक समय आप था। सो वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा सब्सक्राइब जरूर से कर देना और एक लाइक भी टोक देना यार। और इधर नेदरराइट का ब्लॉक भी है वैसे देखा जाए तो, ओके इनको बहुत बड़ा शाउट आउट क्रेडिट है वैसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।